सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फैसल साहब आपकी जानिब से भी कहा गया है कि ये हुकूमती मौकिफ की ताईद है जो राय दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जानना चाहूंगा कैसे ये ताईद है? एक चीज ट्रांसपेरेंसी, आइडेंटिफिकेशन, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना, मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, मैकेनिज्म ओपन बैलेट वो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। अच्छा दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि तशखीस हो सके, ये सीक्रेट ना रहे, सीक्रेट बैलेट की हद तक सीक्रेट है, यानी कि जब आप वोट कास्ट कर रहे हैं उस वक्त आप किसी को नहीं दिखा सकते कि आप किधर कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पता चल सकता है कि आपने वोट दी किधर है, यानी कि तशखीस हो सकेगी। एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है, लेकिन सुप्रीम की राय जो आई है वो आई है कि बाबा 226 में तरमीम करो। 226 कहता है ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड वाया सीक्रेट बैलेट। अब एक्सेप्ट फॉर सेनेट इलेक्शंस इसमें वो तरमीम कर सकते हैं, वो हम ले आएंगे, हमने प्लान किया, हम उसमें आईनी तरमीम फिर लेकर के आएंगे। एक बार पहले लेकर के आए थे, अब हम दोबारा लेकर के आएंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन ये वाली इलेक्शन जो है इसमें आइडेंटिफाइबल वोट होगी, यानी कि आप तशखीस कर सकेंगे, तो उससे हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा होगा, पता होगा किसने किसको वोट दिया है। तो इसलिए हमारे मुल्क या मौजूदा अदालत की जो राय है वो बहुत जबरदस्त राय आई है इसके ऊपर। ठीक है सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन को जो इकदाम की हिदायत की गई है, अब तो वक्त कम है, अगर इलेक्शन कमीशन वो इकदाम करने में फेल हो जाता है? दो घंटे की बात है, आप भी कर सकते हैं, बोल टीवी क्या क्या करता है, अभी थोड़ी देर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या से क्या कर देंगे। इधर फैसला खत्म हुआ और बोल टीवी पे पैकेजेस चलना शुरू हो गए, आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आधे घंटे में आप लोग चीजें कर लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी मेरा ख्याल है दो घंटे के अंदर ये कर सकता है। मिसाल के तौर पर पेपर है, आजकल आईटी का दौर है जी, वो जो पेपर है, जो बैलेट पेपर है उस पर नंबर लग जाएगा, वोटर नंबर, मिसाल दे रहा हूँ, वो वोटर नंबर टैली करेगा, नंबर अलॉट होंगे जो मेंबर्स ऑफ असेंबली है तो पता चल जाएगा, या फिर उसके ऊपर लिखा होगा अपना नाम, लिखे ऊपर लिखा होगा अपना नाम, या उसको नाम लिखा हुआ, कितने वोटर्स हैं, करोड़ों वोटर थोड़ी है, पंजाब का तो इलेक्शन ही नहीं हो रहा, चंद सौ वोटर्स हैं और उनकी इलेक्शन होनी है, उतने पेपर तो अभी आधे घंटे में प्रिंट हो सकते हैं बैलेट पेपर, और वो बैलेट नाम लिखा होगा जो वोटर है उसका, तो तशखीस हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।